हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिसेंटली मैं आपके साथ बोल रही थी ना कि एयरपोर्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, बिकॉज मैं यहाँ से दिल्ली गई थी, फिर दिल्ली से मैं गई थी नेपाल। सो वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ, एंड जो मेन मेरा रीज़न था, वहाँ पर टेंपल लेकिन क्लोज थे, पशुपतिनाथ अभी ओपन नहीं हुआ है। तो आप कोई भी जाने का प्लान कर रहे हो तो अभी जाना, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट और लॉन्च वगैरह खुले हैं, बट मंदिर हमारे जो मेन बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और एयरपोर्ट पे डिस्काउंट जो मैंने बोला था, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे चल रहा है 15% डिस्काउंट। तो मैंने क्या लिया और नेपाल में क्या चीज़ें स्पेशल है जो आप ज़रूर खरीदें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी बहुत सारे स्टोर क्लोज चल रहे थे या फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टोर में कलेक्शन नहीं था, बिकॉज कोविड की वजह से टूरिज्म बिल्कुल आपको पता ही है कि ख़त्म हो गया। बट जैसे जैसे धीरे जब चीज़ें चालू होंगी तो होंगी, बिकॉज अभी नेपाल में केसेस बहुत हैं और वैक्सीन भी आई थिंक स्लो ही लग रही है वहाँ पे। और तो दिल्ली जब मैं यहाँ से जा रही थी, तो मुझे एयरपोर्ट पे आम्रपाल ये ब्रांड जो है, ये देखिए, इसके सिल्वर के स्टफ बहुत अच्छे आते हैं। तो इनके ऑनलाइन वेबसाइट भी ये आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये वाला नेक पीस लिया वहाँ से, ये 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फिनिशिंग में है, बट ये है प्योर सिल्वर और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी डिफरेंट लगा। मेरे पास एथनिक स्टाइल में तो बहुत कुछ था, बट मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। ये जैसे अपने आदिवासी स्टाइल टाइप हो गया, ये पुराना जो बोलते हैं ना, देखिए, तो ये पीस ऐसा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। आप अगर ये पहन लो, उसके बाद आपको कुछ भी एयरिंग वगैरह भी ना पहनो या कुछ और ना पहनो, तो एक स्टेटमेंट नेक पीस हो जाता है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज ये ऊपर से पॉलिश चढ़ी हुई है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ पे अगर आपकी गोल्ड की पॉलिश चढ़ी हो या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, सिल्वर की स्टफ हो, तो बहुत जल्दी, जैसे सूरत का वेदर में नमी बहुत रहती है, तो हमें इसे अंदर बॉक्स में ही रखना है, या अदरवाइज इसके साथ उन्होंने ये दी थी, एक बैग दी थी, ये प्लास्टिक बैग पाउच जो जिप लॉक वाली, उन्होंने बोला इसमें आप बंद करके रखना, जब भी आप यूज ना करो, या बॉक्स में रखो तो भी ठीक है। तो अभी मैंने इसको बॉक्स में रखा है, बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मुझे इसको पहनना है, उसके बाद मैं वहां से आने के बाद इसको जिप लॉक करके रख दूंगी। तो मुझे ये काफी अच्छा ऑप्शन लगा। अब इस टाइप की अभी राखी आने वाली है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके ऐसे अपने सिस्टर को कुछ इस टाइप का गिफ्ट भी दे सकते हो। पैकिंग बहुत सुंदर है, देख रहे हो आप, लाइट शेड डार्क शेड में इसका बॉक्स है, और ये 15% एक्स्ट्रा एयरपोर्ट डिस्काउंट मिल रहा था, बिकॉज अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड में देख लो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता एक्स्ट्रा। फिर ये सिल्वर का स्टफ था, तो सिल्वर में कहाँ जल्दी कोई डिस्काउंट मिलता है, जो मैं ऑनलाइन इतने प्रोडक्ट चेक कर रही हूँ आजकल, बट कहीं पे भी कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं है, और कुछ पसंद भी नहीं आ रहा जो ऑफर में है वैसा। तो ये मुझे पड़ा था टोटल 21,000 का, ऐसे ही है 24,900 का, तो ये मुझे 3,000 अराउंड कुछ बेनिफिट हुआ। तो मैंने एक यही चीज़ ली, बिकॉज ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज मैं और कॉस्मेटिक वगैरह मैं पहले से ले चुकी थी यहाँ पे, तो फिर मैंने ये नहीं लिया और कुछ भी। फिर नेपाल की जो है स्पेशलिटी मैं बताती हूँ, जैसे मैंने ये जो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आप देख रहे हो इसमें बहुत महीन मोती का काम किया हुआ, देख रहे हो अब, तो इस टाइप की वहाँ पे जो नेपाल में जो हिंदूज लेडीज, जो नेपाली लेडीज होती हैं, वो जो है अपने क्या कहते हैं मैरिज के बाद से इसी मोती में बने हुए गले में इतनी लंबी लंबी माला पहनती हैं, और उनका जैसे हमारे यहाँ पे यूपी बिहार साइड में वो होता है ना तीज होता है, जो उसमें वो लोग वो ग्रीन कलर का मंगलसूत्र पहनती है, जो इस टाइप के मोती में बना होता है, उसको बोलते हैं पोतो। उसका बहुत बड़ा मार्केट है काठमांडू में, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, मैं इसी में एंड में वहाँ का वो मार्केट का क्लिप डालूंगी, जो आप देखिएगा आपको आइडिया लगेगा, बहुत अच्छी वेराइटीज मिलती है। और मैं कुछ मालाएं अपने लड्डू गोपाल और बिहारी जी सबके लिए लेके आई हूँ, मैंने यहीं रखी थी, दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं हैं,
बट मुझे रेगुलर यूज के लिए चाहिए थी। बाकी अगर हैवी आपको अपने लिए भी पोतो बनवाना हो तो वहाँ बहुत सुंदर बनता है, मोती की लंबी लंबी माला होती है और उसमें इतना बड़ा गोल्ड का लोग लगवाते हैं, जो मेन पैर जो बोलते हैं ना राउंड शेप का या रेक्टेंगल शेप का इतना सेंटर पीस जो होता है वो गोल्ड का रहता है उनका, वहां से आप मोती पसंद कर लो। फिर अपने अकॉर्डिंग भी आप कुछ ज्वेलरी बनवा सकते हो। तो बहुत सुंदर सुंदर मालाएं मिल रही थी लेकिन मुझे मेरे लिए अभी नहीं चाहिए थी, तो मैंने अपने बिहारी जी और राधा रानी के लिए ये सारी मालाएं ली है जो मैं आपको वन बाई वन दिखाती हूँ। और ये मैंने नॉर्मल रेंज वाली ली, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं ली है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो और जब नया कलेक्शन और आएगा, बिकॉज अब उनके फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो अब नया कलेक्शन वहाँ आएगा। अभी जो नॉर्मल कलेक्शन था उसमें से ही मैंने ले लिया ये सारी माला, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। अब देखिए सबसे पहली माला ये है, ये देखिए कोई भी मूर्ति हो कोई भी तो उसमें आप ये लगा दो, बहुत अच्छी लगेगी। ये देख रहे हो उसका कितना अच्छा काम, महीन काम है। इसी टाइम में कई कई लेयर्स की इतनी घनी घनी सुंदर सुंदर मालाएं मिल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको सारे वीडियोस में दिखाऊंगी, जो मैं लास्ट में ऐड करूंगी वहां का फूड मैं ऐड करूंगी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए ये रेड वाली है, ओनली रेड में, और ये देखिए रेड एंड गोल्ड में। और ऐसी माला यहाँ पे जल्दी मिलती नहीं है बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, शाइन भी बहुत अच्छी है। ये भी रेड एंड गोल्ड में है। और मैं आपको बताती हूँ, नेपाल में रेड कलर का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वहाँ पर लेडीज रेड कलर की साड़ियाँ पहनना बहुत प्रेफर करती हैं। ये देखिए ये स्काई ब्लू, ये येलो शेड हो गया, ये ब्लू। तो मैंने सारी जो कलर ऑलमोस्ट ले लिए हैं ताकि सब ड्रेस पे मैच हो जाए। अब ये देखिए ये भी रेड एंड ग्रीन है, ये रेड एंड गोल्ड में है। ये देखिए कि ये लाइट मस्टर्ड शेड है ये वाला, आई होप आपको दिख रहा, मैं एक बार दिखाती हूँ पास से। और ये देखिए, तो देखिए ये सारी मालाएं हैं, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं एक एक करके अब क्या दिखाऊं। तो ये बांधी भी हैं ऐसे, अभी जब जन्माष्टमी आएगी ना तो मैं अपने बिहारी जी को खूब सुंदर से सजाऊंगी, तो उस दिन के लिए मैंने माला ले ली। ताकि देखिए ये भी कितनी डिफरेंट माला है, तो ये सब मालाएं लगती ही रहती हैं, ये महीन मोती की है। आप घर पे भी बना सकते हो इसमें से, अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद हो तो आप आइडिया ले लो। ये देखिए इसमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद हो तो आप ऐसा घर पे भी बना सकते हो। ये सारे स्टफ हमें मिल ही जाते हैं लेकिन इसकी शाइन बहुत अच्छी होती है, और जितनी अच्छी शाइन और जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी मोती की माला होगी वो इतनी एक्सपेंसिव होती है। ये वहाँ की करेंसी में मुझे मिली थी, सारे के अलग अलग रेट हैं, कोई 40 रुपीज़ की, कोई 100 की है, कोई 150 की है, कोई इससे ज़्यादा की भी है। सब अलग अलग रेंज की माला है और बहुत बड़ा मार्केट था, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ी बहुत ले ली। अब कभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो अच्छे से टाइम निकाल के लूंगी। फिर नेक्स्ट स्टफ है नेपाल में जो बहुत फेमस है, वो है वहाँ की पश्मीना शॉल, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। ओरिजिनल पश्मीना आपको वहाँ पे खोजना पड़ेगा, देखिए हर जगह ओरिजिनल भी आता है, कहीं पे कॉपी भी होती है। अब आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए ये देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल पश्मीना है और ये है कॉपी। और ये देखिए ये मुझे मिला 5100 का, ये है एक पश्मीना शॉल। और इसकी पहचान क्या है, ये आप जो है छू के ही समझ पाएंगे, ऐसे ऐसे आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा, छू के ही पता चलता है। इससे महंगी महंगी पश्मीना शॉल भी आती है। और सेकंड थिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी शॉल है जो कि कम रेंज की है। ये देखिए ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी इसका फैब्रिक डिफरेंट है, टेक्सचर भी इसका काफ़ी डिफरेंट है। और ये मुझे पड़ी थी 350 की, ओनली 350। वो देखिए कहीं पे भी जाएं तो आप ओरिजिनल और उसकी, क्योंकि मेरे तो वहाँ रिलेटिव्स रहते हैं बहुत सारे, तो मुझे वहाँ पे सब बता देते कहाँ ओरिजिनल मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन आप भी जब भी जाओ नेपाल में तो आप जरूर ये लेके आओ पश्मीना शॉल, बिकॉज ये काफ़ी डिफरेंट होती है, ओढ़ने में भी काफ़ी अच्छी रहती है। ये देखिए मैं पूरी खोल के दिखाती हूँ आपको, मुझे बहुत पसंद आई थी ये। और ये कलर क्या, अभी जैसे मैं बनारस ठंड में जाती हूँ तो मुझे चाहिए होता है कुछ, मैं स्वेटर वगैरह मुझे पहनना इतना प्रेफर नहीं करती, मुझे शॉल ज़्यादा पसंद है। तो इस टाइप की पश्मीना शॉल काफ़ी लाइट होती है लेकिन इतनी ही गर्माहट देती है,
आपको पता है नेपाल में काठमांडू में कितनी ठंड पड़ती है, तो इस टाइप की शॉल वहाँ बहुत चलती है। तो मैंने अपने लिए एक पिंक ली थी एंड दूसरा शेड मैंने लिया था, ये देखिए दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरा मैंने लिया था ये मैरून शेड, ये भी सेम 5100 रुपीज़ में है। और इसमें होता है कि इतना 30% सिल्क 70% पॉलिस्टर, प्योर सिल्क की आपको और भी महंगी पड़ेगी। लोग मिक्स ही लेते हैं अभी हर चीज में आजकल, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो गया हर चीजें। तो ये देखिए ये कलर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा डार्क शेड है, साड़ी वगैरह पे भी अच्छा लगता है, कुछ एथनिक आपने पहना है तो। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, मैरून शेड है ये। और एक और मैंने ली है ये वाली शॉल, सेम 5100 से ज्यादा की है आई थिंक, ये है हाँ 5750 की, बिकॉज ये मेरी फ्रेंड ने मंगाई थी, उसको चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने और अच्छी क्वालिटी की लगाई लाई थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यूज कर रही, मैंने बोला उसके लिए और अच्छी लेती हूँ। तो ये मेरे से भी एक्सपेंसिव है ये, तो ये ब्लैक कलर की है, ये मुझे उसको गिफ्ट करनी है, तो मैं मतलब उसने मंगाई उसकी पर्सनल चीज है, तो मैं ये ली खोलूंगी। और उसके बाद मैंने लिया वहां से, अच्छा ये कम रेंज की एक और शेड है, ये लाइट पिंक शेड है। तो ये दो हैं जो, सॉरी ये दो जो देख रहे हो आप, ये दोनों मैंने ऐसे ले ली कम रेंज की भी, कभी कभी काम लग जाती है, तो और ये दो मैंने अपने ले लिए, ये पिंक एंड मैरून, बहुत ही अच्छी लग रही। आपको कौन सा कलर अच्छा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दोनों ही मेरे फेवरेट कलर है। ब्लैक मैंने इसलिए लिया, ब्लैक बहुत कॉमन लगता है, इसलिए मैंने ब्लैक अवॉइड किया इस बार लेना। और दिखाती हूँ मैं आपको, नेपाल जाएं आप वहाँ के स्पेशल मोतियों से बनी हुई चीज़ें ज़रूर लेके आए। देखिए ये कड़ा बहुत ही अच्छा है, अब सावन आने वाला है, तो ये कड़ा मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे मेरे इन लॉज ने गिफ्ट किया है, सावन आने वाला है इसलिए। तो ये दो शेड उन्होंने दिया मुझे, ग्रीन एंड रेड। तो अभी सावन आएगा और कुछ ही फेस्टिवल हो, जैसे रक्षाबंधन हो गया और जन्माष्टमी आने वाली, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, सिंधारा आता है हमारे मारवाड़ी में, तो हम ये चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, उस पर कुछ नई नई चूड़ियाँ डालते हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये दिया, देखिए ये कांच की चूड़ियाँ थी, मुझे ये डॉट डॉट वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद है, वो उन्होंने मुझे दी, मुझे यहाँ मिलती नहीं है जल्दी, तो मैं उनसे बोलती मेरे लिए लेने के लिए। तो ये डॉट डॉट वाली जो है ना येलो एंड ग्रीन में, तो ये चूड़ियाँ उन्होंने मुझे गिफ्ट दी, और ये चूड़ियाँ भी दी गिफ्ट, ये तो कॉमन यहाँ पे भी मिलती है, बट उन्होंने मुझे ये वाली गिफ्ट दी, मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये नई चूड़ियाँ मैं अपने रैक में लगाऊंगी, पुरानी थोड़ी बहुत हटा दूंगी। ये देखिए मैंने सब चीज़ के लिए यहाँ पर रैक ले रखा है अलग अलग, ज्वेलरी और सब लगाने के लिए। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी, जो आपने बोला था किसी ने मुझे कमेंट में कि आप होम टूर कराओ, इंस्टा पे मुझे मैसेज आया था कि आप अपना होम टूर कराइए, मैंने सबसे पहले आपको मंदिर दिखाऊंगी मेरा, कि मैंने किस तरह से बनवाया है इस बार मंदिर, मेरा मंदिर थोड़ा डिफरेंट बनवाया है इस बार। और गिफ्ट में मुझे मिला ये सूट जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये देखिए ये वहाँ पे सारी चीज़ें इंडिया से ही जाती है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा वहाँ खरीदती नहीं हूँ, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ें वही मैं खरीदती हूँ। बाकी ये देखिए ये मेरी मौसी जी ने मुझे गिफ्ट किया वहाँ पे काठमांडू में, ये कुशन कवर, ये आप ऐसा हैंडमेड भी बनवा सकते हो लेस, और ये फैब्रिक लेके ये लेस मिलती है, और ये कुशन कवर भी मुझे गिफ्ट में मिला है। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा वाइट, बिकॉज ये कभी भी लगा दो कोई फेस्टिवल पे अच्छा ही लगेगा, आप इसमें अपने मन से कुछ ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगा, ये भी गिफ्ट में मिला मुझे। और ये रहा ये कुशन कवर, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है। तो ये सारी मेरी चीज़ें थी जो मैं लेके आई नेपाल से, और एयरपोर्ट से जो मैंने हार लिया वो मैंने दिखाया, और मैं इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी कि वहाँ का स्पेशल फूड क्या है, ज़रूर लास्ट तक वीडियो देखेगा। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी कि वहाँ पोतो क्या होता है, पोतो के बारे में आप देखिएगा, आप जब भी नेपाल जाएँ ज़रूर खरीदिए, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत सुंदर लगता है एथनिक साड़ियों के साथ। तो चलिए आगे वीडियो ऐड करते हैं, राधे राधे। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा मार्केट है काठमांडू में, आपको एड्रेस चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एड्रेस दे दूंगी प्रॉपर आपको।
तो देखिए ज़्यादातर जो कलर आप नोटिस करोगे वो ग्रीन कलर का पोतो ज़्यादा दिखाई देगा आपको, इसके बाद रेड, येलो, फिर मिक्स कलर के पोतो, और शाइनिंग आप देख रहे हो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट शाइनिंग होती है इनकी जो माला होती है उसकी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का कलेक्शन। कभी मैं अपने लिए पर्सनली जब पोतो अच्छा सा बनवाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फेस्टिव सीज़न में पोतो पहनना बहुत अच्छा लगता है। एंड सुहाग की चीज़ है, ऐसा नहीं कि नेपालीज ही पहन सकते हैं, हम हिंदूज़ में कोई भी पहन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिच इसका लुक आता है पहनने के बाद। आप होगा तो गूगल करके भी चेक कीजिएगा कि नेपाली पोतो कैसा लगता है पूरे ड्रेसअप के बाद ओवरऑल। तो ये मार्केट है, इसमें खाली लाइन से पोतो ही मिलता है, बहुत बड़ा मार्केट है और ऑलमोस्ट रेट सबके यहाँ आस पास सेम ही है, किसी या कुछ बट सेम ही होता है, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैंने बिहारी जी की जो मालाज लाई थी वो यहीं से ली थी, तो मैंने एक बार बेसिक्स माला ली है। तो उसके बाद मैं जैसे जैसे होगा कलेक्शन मेरा जैसे जैसे बढ़ेगा मैं आपसे शेयर करूँगी और वैसे जैसे जैसे परचेज करूँगी। तो देखिए ये था मार्केट, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ मिलता है बहुत ही यमी मोमोज। एंड देखिए ये है चटनीज, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी, और हमारा इसके बाद रहेगा स्टीम मोमो, ये देखिए। और एक बहुत ही अच्छा स्पेशल डेजर्ट है वहाँ का दही का, इसको बोलते हैं जुजू दही, तो ये है जुजू दही। और मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ ये माला जो मैं लेके आई हूँ, जिसका मैंने डिटेल से शॉर्ट वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी लेके आने वाली हूँ। राधे राधे।